जयपुर के JECC में किसान महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका आगाज मुख्यमंत्री गहलोत ने किया। 42,000 पात्र पशुपालकों के खातों में 176 करोड़ रुपए भेजे गए। इस मौके पर फर्स्ट इंडिया से बातचीत में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि हमारी सरकार किसान हितैषी है। दुग्ध उत्पादन में राजस्थान देश में नंबर एक है। जयपुर में आज से राजस्थान किसान महोत्सव का आगाज हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी शुरुआत की और इस महोत्सव की खास बात है, लंपी के संकट के समय जिन्होंने अपने पशु खोए हैं उनको अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा सहायता मिली है। क्या ये पूरा महोत्सव का उद्देश्य है, किस तरह चलेगा, किस तरह किसान लाभान्वित होंगे, हम बात करते हैं कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया से। पहली बार प्रदेश में ये नवाचार है, किसान महोत्सव का आयोजन हो रहा है, उद्देश्य क्या है इसका? देखिए, देश में ही मेरे ख्याल से राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसमें पहली बार इस तरह की योजना मुख्यमंत्री जी ने लागू की है। लंपी पूरे देश में आई, राजस्थान में भी आई। गौमाता का नुकसान पूरे देश में हुआ, पर मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि जो हमारा पशुपालक भाई है, हमारे 1,39,00,000 गोवंश है, तो जिस परिवार में एक गाय थी वो डेथ हो गई, वैसे ही कोविड काल चल रहा था पहले, तो आर्थिक रूप से जो कमर टूटी हुई थी किसान की और पशुपालक की, उसको ताकत देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने पहल करके खुद ने और 40,000 रुपये एक गाय की मृत्यु पे पशुपालकों से, ताकि वो अपने बच्चों को परिवार को पालने पोसने के लिए, क्योंकि सामान्य रूप से गांव का खाना खुद का छाछ दूध दही ये रहता है, तो जब ये पीड़ा बार बार पूरे राजस्थान में देखी गई कि भाई गोवंश में काफ़ी नुकसान हुआ है और किसान कमज़ोर हुआ है, तो लगातार और योजनाएं तो चली रही थी, पर पूरे देश के अंदर ये पहली राजस्थान में योजना है कि लंपी की मृत्यु के बाद में DBT के माध्यम से 175 करोड़ रुपये, ये कोई छोटी राशि नहीं है, 42,000 पशुपालकों को आज ये कार्यक्रम के माध्यम से पूरे राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने DBT करवाई। कई लोगों से संवाद हुआ, गांवों से डायरेक्ट लोग बैठे थे उनसे संवाद हुआ, एक खुशी का माहौल। ऐसी योजनाएं और अब जो राहत कैंप चल रहे हैं, मैं ये मान के चलता हूं क्योंकि विभाग मेरे पास है, आने वाले समय में आज ये विश्वास हो गया है पशुपालक को कि राजस्थान की सरकार जो कहती है वही करती है। जब मैं आपका भाषण सुन रहा था, आपने एक बात कही थी कि भाजपा गाय के नाम से वोट मांगती है और गाय की सेवा कांग्रेस करती है, और जिस तरह से आप लगातार चाहे गौ सेवा की बात करें, चाहे देवस्थान के मंदिरों की बात करें, भाजपा का जो एक कट्टर हिंदुत्व का मुद्दा था, क्या ये माने कि इस बहाने उसकी काट करने की कोशिश की जा रही है? मेरा ये मानना है कि राजनीति करना अलग काम है और काम को अंजाम देना अलग बात है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और राजस्थान की जनता से भी पूछ लें आप कि राजस्थान में जो गौशालाओं का कंसेप्ट है पूरे देश में सबसे बढ़िया है, और इसको ताकत देने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है कि 3 महीने का अनुदान इन्होंने चालू किया, जो कोई सोच नहीं सकता आदमी, नहीं तो गाँव में समितियाँ बनी रहती है, चंदा उगाही करते हैं गाँव में बैठ के, उनमें झगड़े होते रहते हैं, पर 3 महीने का अनुदान किया, फिर उसके बाद में आया कि भाई इससे सही पार नहीं पड़ रही, तो उन्होंने उसको 6 महीने किया, फिर 9 महीने किया, और अब नंदी गौशालाओं में तो 12 महीने का कर दिया। इसके अलावा नंदी गौशाला में 1,45,00,000 रुपये, कोई भी संस्था या कोई भी गांव या ग्राम पंचायत यदि नंदीशाला खोलना चाहती है तो गौ सेवा और गौशाला जो हमारा विभाग गोपालन विभाग, उसके माध्यम से वो 1,45,00,000 रुपये में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके नंदीशाला चालू कर सकता है, और उसमें 12 महीने का अनुदान है। अब आप अंदाज़ा लगाओ या मालूम कर ले, मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में कहीं इस तरह की व्यवस्था गोवंश के लिए है। हम गाय को गौमाता आदिकाल से पूजते आए हैं, रोज़ गोघास देते हैं, हमारे बुजुर्ग थे कहते थे कि सुबह उठते ही यदि मंदिर पास में नहीं है तो गाय के दर्शन कर लेने चाहिए, तो मेरा कहना तो ये है कि राजनीति करना अलग बात है पर धरातल पे उस काम को अंजाम देना अलग बात है, और वो काम हमारी सरकार ने करके दिखाया। बिल्कुल, तो मंत्री लालचंद कटारिया जी ने उन तमाम मुद्दों पर बात की और साफ कहा है कि किसानों की हितैषी कांग्रेस है और किसानों के साथ हर संकट में सरकार साथ खड़ी रहेगी। कैमरामैन विनोद के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।